अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, शाद रहें, आबाद रहें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। फैब्रिक पेंट की सेकंड क्लास के साथ आपके सामने आर्टरीना। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बटर पेपर के साथ कैसे ड्रा करना है। बटर पेपर पे आप कोई भी अपना फ्लावर या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, आप उसे ड्रा कर सकते हैं। आप ये फ्लावर, ये जैसे मैंने बटरफ्लाई ले ली है, आप ये बटरफ्लाई, फ्लावर, कोई भी बेल, आप किसी भी जगह से इसको ट्रेस कर सकते हैं बटर पेपर ऊपर रखकर। अगर आपको किसी कपड़े पे कोई फ्लावर पसंद है, आप उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। किसी बुक से पसंद है, आप उसको भी ट्रेस कर सकते हैं बटर पेपर पे। बटर पेपर पे ट्रेस करने के बाद मार्कर से, उसके बाद आपको चाहिए जी कार्बन पेपर। कार्बन पेपर आपको बुक शॉप से आसानी से मिल जाएगा। कार्बन पेपर का जो डार्क वाली साइड होगी आपने नीचे कपड़े की तरफ रखनी है, और उसकी लाइट वाली साइड आपने कार्बन पेपर के नीचे रख, बटर पेपर के सॉरी नीचे रखनी है, ठीक है। अब थर्ड में जो हमें चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वह ट्रांसपेरेंट शीट है। ट्रांसपेरेंट शीट को हम इसके ऊपर रख लेंगे। ट्रांसपेरेंट शीट को इसलिए रखेंगे कि पेंसिल से या पेन से जब आप लोग इसकी स्केचिंग करेंगे तो ये ख़राब ना हो, आपका बटर पेपर, आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो। अब इसको हम लोग कर लेंगे पिन दो साइड से, ताकि आपका डिज़ाइन अपनी जगह से हिले नहीं और आप आसानी से अपने कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर इसको ड्रा कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगी जी कपड़े के ऊपर आपने इसको कैसे ड्रा करना है। ये देखें, हमारा ये स्केच तैयार हो गया है। तो गाइज, ये हमने ले लिया है किड की शर्ट, एक बच्ची की हमने ये शर्ट ले ली है। इसको हमने टॉप बनाया है, टॉप बना के ये देखें जी, इस पर हमने करनी है ट्रेसिंग। अब हम इसके पे कैसे ट्रेसिंग करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसका दामन है, दामन पे हमने करना है इसको बटरफ्लाई को ट्रेस। ये देखें, हमारी स्केचिंग तैयार है। अब हमने इस स्केच के ऊपर अपने पेन को घुमाना है। आप एक साइड से स्टार्ट करें और दूसरी साइड पे उसको ख़त्म करें। अब इसमें मैं वो पेन इस्तेमाल कर रही हूँ जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, जिससे राइटिंग नहीं हो सकती। आपने आहिस्ता आहिस्ता पूरे स्केच को इस पर ड्रा कर लेना है। ये देखें जी, ये देखो हमारा स्केच इस पर आ चुका है आराम से। आपने इस पर बहुत ज़्यादा जोर आजमाई नहीं करनी है, आपने इसको बहुत आराम से स्केच करना है। अब हम इसी तरह से दूसरा तीसरा हम सारे कर लेंगे। जितने फ्लावर्स आपने बनाने होंगे आप इसी तरीके से सारे फ्लावर्स बना लेंगे।